अब खबर अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर असम की, जहां राहुल गांधी बनाम हिमंता बिस्वा सरमा की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। मणिपुर और नागालैंड से होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, आज असम के जोरहट पहुंच गई। पूर्वोत्तर में राहुल गांधी की इस यात्रा का ये सबसे अहम पड़ाव है, जहां वो 25 जनवरी तक रहने वाले हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने हेमंता सरकार पर बड़े हमले किए, वो रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद कैसे हेमंता बिस्वा सरमा ने न्याय यात्रा पर मजहबी कार्ड चलकर सवाल दागे, सबसे पहले वो बयान देखिए। न्याय यात्रा न्याय यात्रा हुआ ना, जो जो मिया थको ताते मानु हम, जो जो मिया ना ताते मानु नह। गए मोर दृष्टि न्याय यात्रा नो मिया यात्रा। हेमंता बिस्वा सरमा ने राहुल की यात्रा को मियां वाली यात्रा क्यों कहा, इसके पीछे बड़ी सियासी मैसेजिंग है। इस वक्त देश में राममय माहौल है। इस लहर में भी सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे। बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बॉयकॉट पार्टी है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि 22 जनवरी का कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, जिसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन नैरेटिव यह सेट हो रहा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। पहले से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे, अब हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा भी न्याय यात्रा को मियां यात्रा का तमगा देते हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर कार्यक्रम का बॉयकॉट करके कांग्रेस राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 3,12,00,000 है, जिसमें 61.47% हिंदू जबकि 34.22% मुस्लिम है। असम में 14 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी इन सीटों का दौरा करने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आज न्याय यात्रा के पहुंचते ही असम का सियासी पारा अचानक चढ़ गया, जिसके केंद्र में दो बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा सरमा। जिस असम में राहुल की न्याय यात्रा का पहला दिन है, वहां पुराने कांग्रेसी हेमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है। सीएम हेमंता बिस्वा सरमा किस तरह राहुल पर हमलावर है, राहुल को लेकर TV9 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने उनके गढ़ में घुसकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो भड़क गए। पहले आप ये मामला समझो। काफिला में जो दो व्यक्ति है, वो दो व्यक्ति को बाद में मैं अरेस्ट कर लूंगा, 2-3 महीना का बाद। सुना आपने, असम के मुख्यमंत्री गिरफ्तारी की धमकी दे रहे हैं। आखिर आज उनको इतना गुस्सा किस बात पर आया? आपको मालूम होगा कि आज ही राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर इस राज्य में पहुंचे, जहां अपनी जनसभा में पहला हमला उन्होंने पीएम मोदी पर बोला। मणिपुर में आप जानते हो सिविल वॉर सी सा माहौल बना हुआ है, प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी का अगला निशाना सीएम हेमंत बिस्वा सरमा बने तो उनके सिपह सालार और असम के नेता गौरव गोगोई ने भी मुख्यमंत्री पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। असम की सियासत ड्रग्स की सियासत है, असम की सियासत यहाँ पे जो सुपारी माफिया है उसकी सियासत है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि यूपी के बाद सबसे ज्यादा तवज्जो असम को दी गई है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और 8 दिन में 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में 11 दिन में 20 जिलों में 1074 किलोमीटर की यात्रा होगी। ऐसे में राहुल गांधी ने जब असम की सरकार को भ्रष्ट कहा तो हेमंता बिस्वा सरमा किस कदर भड़के, आप खुद सुनिए। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है मेडिकल, लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। हेमंता बिस्वा सरमा के बयान से साफ है कि सारा खेल चुनाव का है।
शायद इसलिए वो गिरफ्तारी की बात तो कह रहे हैं लेकिन उनके साथ चुनावी शर्त भी जोड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का असर, चुनावी असर क्या होगा, इसके लिए तो चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और असम कांग्रेस ने इस यात्रा से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। हलवाटिंग नाजिरा एलएसी जोरहाट से, कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। देश में सर्दी बहुत है लेकिन चुनावी गर्मी की कमी नहीं। राहुल गांधी और हेमंता बिस्वा सरमा के बीच सियासी तलवार आज से नहीं खिंची हुई। आरोप प्रत्यारोप के ये दौर लगभग एक दशक से चल रहे हैं। राहुल पर हेमंता बिस्वा सरमा अक्सर अटैक करते रहे लेकिन आज शायद पहली बार असम के सीएम को लेकर राहुल गांधी सबसे ज्यादा आक्रामक दिखे। राहुल और कांग्रेस से उनके बिगड़े रिश्ते पर पिछले साल हमने उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी जिसमें उन्होंने गांधी परिवार और राहुल से अपने सियासी रिश्ते और कांग्रेस से अलग होने की वजहों का खुलासा किया। असम की कांग्रेस सरकार में कभी मंत्री रहे हेमंता बिस्वा सरमा बीजेपी के कद्दावर नेता और असम के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस से उनकी नाराजगी 2011 से शुरू हुई जब उनके मुताबिक तरुण गोगोई की सरकार में उनको मनमाफिक सम्मान नहीं मिला। कहा जाता है कि उस साल पार्टी को जिताने में उनका अहम रोल रहा। हालांकि तब वो चुप रहे लेकिन 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और फिर इसके एक साल बाद 2015 में वो पाला बदलकर बीजेपी में चले गए। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू किया। राहुल गांधी भी मेरा पीछे नहीं है, मैं भी राहुल गांधी का पीछे नहीं हूँ। लेकिन राहुल गांधी का पीछे जो लोग है, जो जबरदस्ती जो काम नहीं होता है वो काम करवाने के लिए कोशिश करता है, हम लोग उनका पीछे है। मतलब एक बैट्समैन है, उनसे नहीं होता है, वो जीरो ही मारेगा फिर भी आप लोग बार बार उतार देता है। TV9 भारत वर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि जब पार्टी छोड़ने वाले थे तो राहुल गांधी का फोन आया था लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। देखिए राहुल गांधी ऐसा है, वो दिन बोला जाने दो, मुझको भी बोला सो हुआ, लेकिन जो एक्चुअली जो दिन मैं गया वो दिन चार चार बार मुझको फोन किया कि आप मत ज्वाइन कीजिए, आपका जो भी है मैं कर दूंगा। लेकिन तब बोला साहब आई एम रिसीविंग योर कॉल एट द रेसिडेंस ऑफ अमित शाह जी, हाउ कैन आई गो बैक नाउ। हमसे बातचीत करते हुए आगे उन्होंने दिल्ली में अपने साथ हुए उस बर्ताव का भी जिक्र किया था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। गांधी जी का कुत्ता था, उनको तो सब पहचानता है। और जब राहुल गांधी का घर में जाएगा, अभी जिंदा है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मेरा दौर का बात बोल रहा हूँ 2012-13, तो उनका साथ एक ही टेबल में आपको खाना खाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के एक ही रहेगा, एक ही टेबल, ऐसे यहाँ ये आपने रख दिया है ड्राई फ्रूट्स, आप भी एक पीस खाओ, पीडी भी एक पीस खाएगा, राहुल जी भी एक पीस खाएगा। राहुल जी खाया तो मैं नहीं देखा लेकिन हम लोग को पीडी का इज्जत करने के लिए खाना पड़ता है। हेमंता बिस्वा सरमा का आरोप है कि दिल्ली की बैठक में राहुल गांधी का सलूक उनके साथ अच्छा नहीं रहा, साथ ही उनके विचारों का भी सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया। असम की राजनीति में हेमंत बिस्वा सरमा का कद कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है उसके बाद से कांग्रेस राज्य में सरकार नहीं बना सकी। 2011 के असम चुनाव में हेमंता बिस्वा सरमा के रहते कांग्रेस को कुल 126 में से 78 सीटें आईं। राज्य में पार्टी की सरकार बनी जबकि बीजेपी सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। लेकिन 2016 के चुनाव में जब वो बीजेपी के साथ आए तब कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट गई जबकि बीजेपी 60 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके बाद 2021 में भी बीजेपी 60 सीटें जीतकर सरकार बचाने में कामयाब रही। कांग्रेस में प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ और वो 29 सीटों तक पहुँची।